हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखो, हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ ए फ्लोटिंग सिलेंडर। आज के इस लेक्चर में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ ए फ्लोटिंग सिलेंडर के ऊपर बेस्ड तीन बहुत अच्छे टेक्निकल न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक कंटेनर है जिसमें फ्लूड भरा हुआ है, ठीक है। इस फ्लूड की डेंसिटी है मान लो रो, ठीक है। मान लो मेरे पास एक सिलेंडर है, मेरे पास एक सिलेंडर है जिसकी डेंसिटी सिग्मा वो रो से कम है, ठीक है। और इस सिलेंडर की हाइट वो मान लो 10 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस सिलेंडर को इस फ्लूड पे रख दिया, तो ये तो फ्लोट करेगा क्योंकि सिलेंडर की डेंसिटी सिग्मा फ्लूड की डेंसिटी रो से कम है, ये तो ऐसे फ्लोट करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। सिलेंडर की जो हाइट है या सिलेंडर की जो लंबाई है ये 10 सेंटीमीटर गिवन है, और ये सिलेंडर फ्लोट करेगा, सिलेंडर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा, और यही सिलेंडर की क्या हो जाएगी, मीन पोजीशन, ठीक है। तो अब देखो, मैंने क्या किया, इस सिलेंडर को थोड़ा सा प्रेस कर दिया और थोड़ा सा प्रेस करके छोड़ दिया, तो ये सिलेंडर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, सिलेंडर परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिलेंडर को थोड़ा सा प्रेस किया और छोड़ दिया, तो ये सिलेंडर मेरा ऐसे अप डाउन सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा अबाउट इट्स मेन पोजिशन। और ऐसा क्यों है, टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कैपिटल टी, ये मैंने एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली कितना पाया, 0.573 सेकंड, ठीक है। तो बताना क्या है, रो की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, इस फ्लूड की डेंसिटी रो फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, जो सिलेंडर की डेंसिटी है ना सिग्मा, इसकी टर्म्स में इस फ्लूड की डेंसिटी रो फाइंड आउट करनी है। फ्लूड की डेंसिटी रो फाइंड आउट करो इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, ठीक है। तो इसके लिए चार ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ए बी सी डी। ए ऑप्शन में देखो क्या गिवन है, 1.1 सिग्मा, बी ऑप्शन में 1.2 सिग्मा, सी ऑप्शन में 1.3 सिग्मा और डी ऑप्शन में 1.4 सिग्मा। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ SHM ऑफ फ्लोटिंग सिलेंडर, इसका प्रीवियस लेक्चर में फॉर्मूला आया था 2π √L σ/ρg, ये आया था, ठीक है। तो देखो, इस सिलेंडर की लंबाई L वो मीटर में कितनी हो जाएगी, 0.1 मीटर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, ठीक है। और टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ SHM ऑफ दिस सिलेंडर ये 0.573 सेकंड गिवन है। तो ये तीनों वैल्यूज यहां पे पुट करनी है, कैपिटल टी की 0.573 इज इक्वल टू 2π √L, लेंथ ऑफ सिलेंडर मीटर में 0.1 इंटू में सिग्मा बाय में रो, और जी जी कितना 10, ठीक है। तो यहां से
वैल्यू आ जाएगी रो इज इक्वल टू 1.2 सिग्मा, ठीक है। यहां से रो की वैल्यू आ जाएगी इंटरम ऑफ सिग्मा, रो इज इक्वल टू 1.2 सिग्मा, हैंस ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये मेरा आंसर हो गया। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। अब की बार सिलेंडर की जगह क्यूबिकल ब्लॉक होगा, ठीक है, बात तो वही है, चाहे सिलेंडर हो या क्यूबिकल ब्लॉक हो। सेकंड न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ जी, जो कि फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। और क्या गिवन है, मान लो मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें फ्लूड भरा हुआ है, ठीक है, और इस फ्लूड की डेंसिटी है रो, और मेरे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है, कितनी एज लेंथ का, 10 सेंटीमीटर एज लेंथ का, और इसकी डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है, सिग्मा है क्यूबिकल ब्लॉक की डेंसिटी, और मान लो सिग्मा रो से कम है, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, इस क्यूबिकल ब्लॉक को इस फ्लूड के ऊपर आराम से रख दूंगा, तो ये तो तैरेगा क्योंकि क्यूबिकल ब्लॉक की डेंसिटी सिग्मा रो से कम गिवन है, तो ये क्यूबिकल ब्लॉक तो तैरेगा, ठीक है। एज लेंथ कितनी, 10 सेंटीमीटर, और मैंने ये पाया कि इस क्यूबिकल ब्लॉक का कितना पोर्शन इनसाइड फ्लूड है, ये मैंने एक्सपेरिमेंटली पाया जब इस क्यूबिकल ब्लॉक को इस फ्लूड के ऊपर रखा। सबसे पहले तो ये पाया कि ये क्यूबिकल ब्लॉक तैरेगा, फ्लोट करेगा, और मैंने ये भी पाया एक्सपेरिमेंटली इस क्यूबिकल ब्लॉक का कितना पोर्शन इस फ्लूड के अंदर है, 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये मैंने एक्सपेरिमेंटली पाया, फ्लूड था और मेरे पास क्यूबिकल ब्लॉक, क्यूबिकल ब्लॉक को मैंने इस फ्लूड के ऊपर रख दिया, पहले तो मैंने ये पाया कि ये फ्लोट करेगा, ऐसा मैंने पाया एक्सपेरिमेंटली, फ्लोट करता हुआ मिला, और मैंने ये पाया कि 4 सेंटीमीटर इस क्यूबिकल ब्लॉक का पोर्शन फ्लूड के अंदर है और 6 सेंटीमीटर फ्लूड के बाहर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस क्यूबिकल ब्लॉक को थोड़ा सा प्रेस किया, थोड़ा सा बिल्कुल, और छोड़ दिया, तो ये क्यूबिकल ब्लॉक ऐसे अप डाउन सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, और मैंने प्रैक्टिकली ये पाया इस क्यूबिकल ब्लॉक के सिंपल हार्मोनिक मोशन के एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड प्रैक्टिकली मैंने कितना पाया, 0.458 सेकेंड, टाइम पीरियड ऑफ SHM ऑफ दिस क्यूबिकल ब्लॉक, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी वो कितनी रही होगी, इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ABCD। ए ऑप्शन में क्या गिवन है, 5.52 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी ऑप्शन में 6.52 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी ऑप्शन में 7.52 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डी ऑप्शन में 8.52 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं, तो देखो यहां पे इस क्यूबिकल ब्लॉक की एज लेंथ एल ये मीटर में कितनी हो जाएगी, 0.1 मीटर, सही बात है। और देखो इस क्यूबिकल ब्लॉक का कितना हिस्सा इनसाइड फ्लूड है, 4 सेंटीमीटर, जब ये क्यूबिकल ब्लॉक फ्लोट करेगा, ठीक है, तो ये 4 सेंटीमीटर किसके बराबर आएगा, सिग्मा बाय में रो इनटू में 10, इसी के बराबर आएगा। तो
तो यहां से देखो सिग्मा बाय में रो की वैल्यू ये कितनी आ गई, 4/10 मतलब 0.4, ठीक है। और टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ SHM फॉर्मूला क्या, 2π इंटू में रूट एल सिग्मा बाय में जी रो, ठीक है। तो जी फाइंड आउट करना है, सिग्मा बाय रो की वैल्यू 0.4 एज लेंथ ऑफ दिस क्यूबिकल ब्लॉक एल 0.1 मीटर और टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ दिस क्यूबिकल ब्लॉक वो कितना गिवन है, 0.458 सेकेंड। तो 0.458 इज इक्वल टू 2π इंटू में रूट एल कितना 0.1 बाय में जी, और सिग्मा बाय रो की वैल्यू ये मैंने निकाल ली कितना 0.4। तो यहां से आप जी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो और ये कितनी आएगी 7.52 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हैंस ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ या नियर दी सरफेस ऑफ दैट प्लेनेट वो फाइंड आउट करनी थी, ये कितनी होगी 7.52 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब हम यहां पे एक दूसरे प्लेनेट पे हैं, दूसरे प्लेनेट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उस प्लेनेट की सरफेस के नजदीक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी 7.52 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब देखो थर्ड न्यूमेरिकल, अगेन एक क्यूबिकल ब्लॉक होगा, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर थर्ड, तो देखो थर्ड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, ठीक है। और मान लो मेरे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी एज लेंथ एल, इसकी एज लेंथ एल मुझे फाइंड आउट करनी होगी और इस क्यूबिकल ब्लॉक की डेंसिटी सिग्मा, और मान लो मेरे पास एक ये कंटेनर है जिसमें फ्लूड भरा हुआ है, फ्लूड की डेंसिटी रो, और मान लो सिग्मा रो से कम है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस क्यूबिकल ब्लॉक को मैंने इस फ्लूड की सरफेस पे रख दिया और मैंने ये पाया कि ये क्यूबिकल ब्लॉक यहां पे फ्लोट करेगा, तैरेगा, ऐसा मैंने पाया, ठीक है, कि ये क्यूबिकल ब्लॉक फ्लोट करेगा, ऐसा मैंने पाया। जैसे ही मैं इस क्यूबिकल ब्लॉक को इस फ्लूड की सरफेस पे रखूंगा ना, मैंने ये पाया कि ये फ्लोट करेगा, और मैंने ये भी पाया इनसाइड दिस फ्लूड इस क्यूबिकल ब्लॉक का कितना पोर्शन होगा L/3 और आउटसाइड फ्लूड 2L/3, ये भी मैंने पाया एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। और अब मैंने क्या किया, इस क्यूबिकल ब्लॉक को थोड़ा सा प्रेस कर दिया, बिल्कुल थोड़ा सा प्रेस करके छोड़ दिया, तो ये क्यूबिकल ब्लॉक ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा अबाउट इट्स दिस मीन पोजीशन, और टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ये एक्सपेरिमेंटली मैंने कितना पाया 0.444 सेकेंड, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये बताओ कि इस क्यूबिकल ब्लॉक की एज लेंथ एल वो क्या होगी, एज लेंथ ऑफ दिस क्यूबिकल ब्लॉक वो क्या होगी। इसके लिए चार ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, तो अब देखो यहां से
जब ये मेरा क्यूबिकल ब्लॉक फ्लोट कर रहा है तो कितना हिस्सा इनसाइड फ्लूड है? एक तिहाई, मतलब एल बाय थ्री इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? सिग्मा बाय में रो इनटू में एल बाय यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां से देखो सिग्मा बाय में रो की वैल्यू ये कितनी होगी, एल से एल कैंसिल हो गया, ये आ गई वन बाय थ्री। और इसको अब मैंने थोड़ा सा प्रेस किया, बिल्कुल थोड़ा सा, तो ये अप डाउन ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। और टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एस एच एम ऑफ दिस क्यूबिकल ब्लॉक ये कितना गिवन है? 0.444 सेकेंड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई इंटू में रूट एल सिग्मा बाय में जी रो। तो इस क्यूबिकल ब्लॉक की जो एज लेंथ है एल वो फाइंड आउट करनी है। सिग्मा बाय रो मेरे को पता चल गया 1/3, ठीक है, और जी 10। और टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एस एच एम 0.444, तो 0.444 इज इक्वल टू 2 पाई इंटू में रूट एल बाय में जी, जी कितना 10, यहां पे सिग्मा बाय रो इसकी वैल्यू कितनी 1/3, ठीक है। तो यहां से L की वैल्यू निकल के आ जाएगी और यहां से L की वैल्यू मीटर में आएगी ऑब्वियसली, और वो कितनी आएगी 0.15 मीटर। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर। हैंस ऑप्शन सी इज करेक्ट, इस क्यूबिकल ब्लॉक की एज लेंथ कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।